अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारी गैर मौजूदगी में किसने हमारे सिस्टम या पीसी को लॉगिन किया और कौन कौन सी फाइल्स को ओपन किया, यानी हम अपने पीसी की हिस्ट्री को कैसे देख सकते हैं। और इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने पीसी में हिस्ट्री को कैसे डिलीट कर सकते हैं या परमानेंट रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा सिस्टम किसने और किस किस टाइम पर लॉगिन किया। इसके लिए हम क्या करेंगे, रन की ऑप्शन को ओपन करेंगे, उसके लिए मेन मेन्यू में जाएंगे और सर्च बार में टाइप करेंगे रन, इसको ओपन कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक सर्च बार आ जाएगा। आप रन के ऑप्शन को अपने कीबोर्ड पर विंडो का बटन दबाकर आर को अगर प्रेस करेंगे तो तब भी आप रन के ऑप्शन को ओपन कर सकते हैं। तो यहां पर हम कमांड एंटर करेंगे इवेंट vwr.msc। ये कमांड देने के बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो हमें ऑप्शन मिल जाएगी विंडोज लॉग्स, इसको हम साइड से ड्रॉप डाउन करेंगे तो विंडो लॉग्स के अंदर हमें ऑप्शन मिल जाएगी सिक्योरिटी की, तो हम सिक्योरिटी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस पेज पर हमें सारी डिटेल्स मिल जाएगी लॉगिन की। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि किस यूजर ने किस टाइम पर हमारे सिस्टम को या पीसी को लॉगिन किया। यहां पर डेट एंड टाइम आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि ये एक एक मिनट का जो डाटा है वो अपडेट कर रहा है। अब यहां पर देखें तो 15 अगस्त 2024 हमें डेट मिल रही है और साथ में इसके टाइम मिल रहा है कि मॉर्निंग के टाइम 7:52 पे ये लॉगिन किया गया है। और इसके सामने अगर हम टास्क कैटेगरी में देखें तो लॉगिन की ऑप्शन मिल रही है, इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो हमें ये एक डिटेल बॉक्स ओपन कर देगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी आईडी है, अकाउंट नेम है, अकाउंट डोमेन है, लॉगिन आईडी वगैरह दिया हुआ है। तो यहां पर हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा यूजर की। यहां पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगी स्पेशल लॉगिन, इसका मतलब यह है कि अगर आपके सिस्टम को क्रीडेंशियल्स देखकर लॉगिन किया गया है तो वो हमें स्पेशल लॉगिन की कैटेगरी में शो करेगा। और अगर मैं यूजर अकाउंट मैनेजमेंट पे क्लिक करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये नेम शो कर रहा है, अकाउंट नेम, कि इस बंदे ने मेरे सिस्टम को लॉगिन किया है। किस टाइम पे किया है मैं यहां पर देख सकता हूं कि 15 अगस्त को मॉर्निंग को 7:48 पे मेरे सिस्टम को इस पर्सन ने लॉगिन किया है, ये यूजर है। आप ब्रीफ डिटेल जो है वो नीचे भी देख सकते हैं, यहां पर भी आपको मिल जाएगी। तो इस जगह पर हम देख सकते हैं कि हमारा सिस्टम किस डेट को, कितने बजे और किस किस टाइम पर लॉगिन हुआ है और किसने लॉगिन किया है, यूजर कौन है। अब हम देखेंगे कि हमारे सिस्टम में रिसेंटली कौन सी फाइल्स ओपन की गई हैं। तो इसको मैं क्लोज करता हूं, अगेन हम रन के ऑप्शन में जाएंगे। और इस बार यहां पर हम कमांड देंगे शेल कोलन रिसेंट। ये कमांड देने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो यहां पर हमें ये हिस्ट्री शो कर रहा है कि ये फाइल जो है हमारी ओपन की गई है और आगे डेट और टाइम दे रहा है। आप देख सकते हैं कि हमें यहां पर कंप्लीट हिस्ट्री मिल रही है कि कौन से टाइम और कौन सी डेट को कौन कौन सी फाइल्स ओपन की गई हैं। अब मैं आपको यहां पे बताऊंगा कि हम हिस्ट्री को डिलीट कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम मेन मेन्यू में जाएंगे और सर्च बार में टाइप करेंगे सेटिंग्स और यहां पर सेटिंग्स को ओपन कर लेंगे। सेटिंग के अगर लेफ्ट साइड पे देखें तो यहां पर ऑप्शन मिलेगी प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी की, इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर अगर स्क्रॉल डाउन करें तो ऑप्शन मिल जाएगी एक्टिविटी हिस्ट्री, इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर जितनी भी हमारे पीसी की हिस्ट्री है, जो फाइल्स रिसेंटली ओपन की गई हैं, उनको हम यहां से क्लियर हिस्ट्री पर क्लिक करके उनको डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं।
तो यहां पर दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपने गूगल या क्रोम के अंदर कोई भी वेबसाइट सर्च की है या हिस्ट्री है उसको आप कैसे डिलीट कर सकते हैं। यहां पर मैंने गूगल क्रोम को ओपन कर लिया है। सिंपल हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एच को प्रेस करेंगे। कंट्रोल एच को जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहां पर हमने क्रोम ब्राउजर के अंदर जितनी भी ब्राउजिंग की होगी, जितनी भी वेबसाइट या यूआरएल को ओपन किया होगा वो सब की सब हमें यहां पर हिस्ट्री मिल जाएगी। अब यहां से हम इसको कैसे डिलीट कर सकते हैं कि किसी भी ए को आप सिलेक्ट कर लें यहां से और उसके बाद कंट्रोल ए करें तो ये सब के सब सिलेक्ट हो जाएंगी और उसके बाद ऊपर आपको डिलीट की ऑप्शन मिल जाएगी। इस पर आप क्लिक करें और रिमूव करें, यहां से आप सारी हिस्ट्री को इस तरह डिलीट कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि क्रोम ब्राउजर के अंदर जितनी भी हमने वेबसाइट को सर्च किया था, जितनी भी ब्राउजिंग की थी, वो सारी हिस्ट्री यहां से डिलीट हो चुकी है। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।